सत श्री अकाल चढ़दी कला टाइम टीवी न्यूज़ देखने वाले सारे दर्शकों का मैं राजविंदर कौर स्वागत करती हूँ। खबरों की शुरुआत तो पहला एक नज़र मार लें सुर्खियां। पटियाला च वापरिया दर्दनाक सड़क हादसा, चार नौजवानों की हुई मौत। भाजपा ने मालीवाल नूं ब्लैकमेल करके केजरीवाल खिलाफ साजिश दा कीता शामिल, कहा आतिशी ने। लंदन तो परते राघव चड्ढा सीएम केजरीवाल दे घर पहुंच के थी मुलाकात, आम आदमी पार्टी राज्यसभा संसद मेंबर ने राघव चड्ढा। अते हुण खबरां विस्थार दे नाल। पटियाला च देर रात भयानक सड़क हादसा वापरिया जिस विच चार नौजवानों की मौत हो गई ते दो लड़कियां गंभीर जख्मी ने। सूत्रां मुताबिक लॉ यूनिवर्सिटी के विद्यार्थी अपनी डिग्री पूरी होण ते होटल विचों पार्टी करके निकले सन ते उस तो बाद गड्डियां दी दौड़ लगा रहे सी, जिस दौरान यह दिल कंबा देने वाला हादसा वापर गया। यह भी दस्या जा रहा है कि रेस लगा रहे विद्यार्थियों की अपनियां दो कारां ही आपस में टकरा गई, जिस तो बाद गड्डियों में सवार छह विद्यार्थियों चो चार की मौके पर ही मौत हो गई, जिन्हों दो कुड़ियों की हालत गंभीर दसी जा रही है। जख्मियों को चंडीगढ़ के पीजे रैफर कर दिया गया। हजे आई विटनेस कोई सामने नहीं है, तो फैमिलीज़ ने जो स्टेटमेंट देखी है वो मुताबिक वो कार्रवाई नहीं करवाना चाहते। चारे बच्चे की मौके पर मौत हो चुकी है। किन्ने फीमेल सी, केड़ी एक्सीडेंट होया, किवें होया? ये बख्शीवाल रोड से यूनिवर्सिटी तो नाल ही एक्सीडेंट होया बच्चों का। दरख्त के गड्डी वजी है एंडेवर, वो चार बच्चे सके, तीन मेल तो एक फीमेल सी, जिन्हें मौके पर मौत हो गई। कारण शायद गड्डी ऑफ बैलेंस हुई है। पटियाला तो संसद मैंबर प्रनीत कौर ने राजीव गांधी लॉ यूनिवर्सिटी के चार विद्यार्थियों की एक दुर्घटना में हुई मौत से दुख का प्रगटावा किया। एक बहुत ही भयानक एक्सीडेंट होया और बहुत दुख भरी खबर आई कि चार बच्चे साढ़े राजीव गांधी लॉ इंस्टीट्यूट तो उस हादसे से गुजर गए। एक लड़की थी, तीन लड़के थी। मेरी दिल दिया गहराइयां तो उन्होंने सारे परिवारों के नाल बहुत बहुत अफसोस, और ये एक जड़ा दुख यूनिवर्सिटी च होया, सारे उन्होंने जड़े नाल पढ़ते थी उन्होंने भी मेरा बहुत बहुत अफसोस। वाहिगुरु उन्होंने सिर ते, उन्होंने परिवारों के सिर ते मेहर भरिया हाथ रखन और बच्चों अपने चरणों च निवाजन। आम आदमी पार्टी की नेता आतिशी ने दावा किया कि उन्होंने पार्टी की संसद मैंबर स्वाति मालीवाल गैर कानूनी भर्ती मामले च गिरफ्तारी का सामना कर रही है, तो उन्होंने भाजपा ने ब्लैकमेल करके मुख्यमंत्री केजरीवाल खिलाफ साजिश का हिस्सा बनाया। मालीवाल ने अरविंद केजरीवाल के सहयोगी विभव कुमार से कुटमार का दोष लाया। दिल्ली सरकार च कैबिनेट मंत्री आतिशी ने दोष लाया कि मालीवाल सोमवार को मिलने का समा ले बिना मुख्यमंत्री अधिकारित घर पहुंची सी। मुख्यमंत्री आवास के ड्राइंग रूम की वीडियो सामने आई, उस वीडियो को पूरे देश ने देखा। उस वीडियो में स्वाति मालीवाल जी साफ साफ कह रही हैं कि मैंने 112 कॉल कर दिया है और पुलिस आने वाली है, तो उनके अपने शब्दों से ये स्पष्ट है कि जिस समय का वो वीडियो है वो उस समय के बाद का है जहां पर वो क्लेम कर रही हैं कि उनके ऊपर हमला हुआ। लेकिन उस वीडियो को देखकर साफ साफ नजर आ रहा है कि स्वाति मालीवाल जी के ना कपड़े फटे हुए हैं, ना स्वाति मालीवाल जी दर्द से कराह रही हैं, ना स्वाति मालीवाल जी के सर पे चोट लगी हुई है,
जो सारी बातें स्वाति मालीवाल जी ने अपनी शिकायत में कही हैं, जो स्वाति मालीवाल जी ने एफआईआर में दर्ज करवाई है, तो ये वीडियो साफ साफ दिखा देता है कि जो कुछ शिकायत में लिखाया गया वो सब सरासर झूठ है। वो ऊंची आवाज में पुलिस कर्मियों को ललकार रही हैं, धमका रही हैं, और वो कहीं पर भी उनको शिकायत करती नहीं नजर आ रही हैं कि उनके साथ कुछ गलत हुआ। वो कहीं पर विभव कुमार जी पर इशारा करती हुई नजर नहीं आ रही हैं, कहती हुई कि इन्होंने मुझ पे हमला किया, बल्कि वो विभव कुमार जी के लिए अब शब्दों का प्रयोग कर रही हैं, ऊंची आवाज में कर रही हैं। तो कल जो वीडियो सामने आया उसने पूरे देश के सामने स्वाति मालीवाल जी के आरोपों का पर्दाफाश कर दिया। आज एक दूसरा वीडियो हम आपको दिखाने जा रहे हैं। ये सीएम आवास के गेट के सीसीटीवी की फुटेज का वीडियो है। ये भी स्वाति मालीवाल जी के झूठ को सामने रख देता है, क्योंकि अगर आप सबने ये एफआईआर देखी है जो स्वाति मालीवाल जी ने फाइल करी है, उसमें वो ये कहती हैं कि मुझ पर इतना हमला हुआ कि मैं चल नहीं पा रही थी, कि मैं बेहोशी की हालत में थी, कि मैं बैठ गई, कि मैं लंगड़ा लंगड़ा के चल रही थी, मैं दर्द से कराह रही थी। ये सब स्वाति मालीवाल जी ने अपनी शिकायत में लिखा। लेकिन सीएम रेजिडेंस का गेट का सीसीटीवी का फुटेज ये साफ साफ दिखाता है कि स्वाति मालीवाल जी आराम से तेज स्पीड से बिना किसी परेशानी के चल के हाई स्पीड पर बाहर जा रही हैं। आम आदमी पार्टी के नेता राघव चड्ढा लंदन तो वापिस आ गए ने। हो सवेरे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल नु मिलन लिए उना दे घर पहुंचे। दस दिए कि राघव चड्ढा बीते कई महीने तो विदेश च सन। जानकारी अनुसार वो यूके च अपनी अखां दा इलाज करवा रहे सन। लोकसभा चोणां ते केजरीवाल की गिरफ्तारी तो बाद आप नेता राघव चड्ढा की गैर मौजूदगी ते कई सवाल भी खड़े हो रहे सन। हालांकि आम आदमी पार्टी इस मामले ते चुप रही। पंजाब तो आम आदमी पार्टी के राज्यसभा संसद मैंबर ने राघव चड्ढा विधानसभा हलका मजीठा दे आम आदमी पार्टी दे सीनियर आगू ते कदे कांग्रेस पार्टी दे वख-वख अहुदेयां ते रहे सुखजिंदर राज लाली मजीठे अपने परिवार समेत श्रोमणी अकाली दल विच शामिल हो गए ने, जिन्हां नूं साबका मंत्री बिक्रम मजीठिया ने पार्टी विच शामिल करवाया, जिस नूं लै के उन्हां वल्लों बटाला विच प्रैस कॉन्फ्रेंस कीती गई। उत्थे ही बिक्रम मजीठिया ने कहा कि लाली मजीठिया उन्हां दे कई साल विरोधी रहे ते जदों कि महज राजनीतिक विरोधी नहीं उन्हां दी निजी रंजिश तक बनी नहीं, लेकिन अज उन्हां लई ते अकाली दल पार्टी लई वड्डा दिन है कि उह अज अकाली दल विच शामिल होए ने ते इस नाल अकाली दल नूं वड्डा लाभ होगा। किसान वालों खेतों में नाड़ नूं लगाई अग कारण बटाला नज़दीक कस्बा खोखर फौजियों कोल अमृतसर नैशनल हाईवे किनारे खड़े दो ट्रकों अग ने अपनी लपेट में ले लिया, जिस कारण एक ट्रक में लदी हुई लखां की कणक से ट्रक सड़ के सुआह हो गया, दूजे ट्रक का भी काफ़ी नुकसान होया। दस दिए कि ट्रक इको व्यक्ति के सन, अग लगन कारण किसान वालों खेतों में नाड़ नूं अग लगाना दस्या जा रहा। नुकसान तो वेख लो 14-15 लाख की गड्डी है, कणक कुड़ी अग लग गई है, कणक नी नाड़ करके नाड़ अग लाई है, मुड़ के गड्डिया का जाम लग गया, गड्डिया निकली नी, अग लग गई उस वे नुकसान घटो घट 87 लाख का नुकसान तो है ही।
जिमीदार नूं मानदे आ, जिमीदार नूं पता हुंदा आ संदेह वी गड्डियां लगियां वा फिर वी उहने अग लाती। मृतक दे वारसां दी शिकायत दे आधार ते पुलिस ने धारा 304 तहत मामला दर्ज कर लिया ते खुदकुशी लई उकसाउण लई आईपीसी दी धारा 34 दर्ज करके जांच शुरू की, जिसकी पुष्टि खुद जांच अधिकारी केशव कुमार ने की, जिसकी सूचना हरविंदर टीनू नूं मिलन तो बाद परिवार विच सोग दा माहौल है। परिवार दे मेंबर बुरी हालत विच ने, इस संबंधी जानकारी देंदे हुए जांच अधिकारी एसआई केशव कुमार ने दस्सिया कि मृतक की पत्नी संतोष ने 14 मई नूं पुलिस कोल शिकायत दर्ज करवाई सी कि एक औरत उसके पति हरविंदर उर्फ टीनू नूं ब्लैकमेल कर रही सी। 10 मई नूं उसनूं ब्लैकमेल कर रही थी, घरों लै गया से उस तो बाद उसका पति हरविंदर घर नहीं परतिया। तो जांच अधिकारी ने दसिया कि अज पुलिस ने हरविंदर की लाश गंगोवाल नेड़े भाखड़ा नहर तो बरामद कर ली, जिसका पोस्टमार्टम करवा के लाश को वारसा के हवाले कर दिया गया। ਇਹ 14 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜੀ ਸੰਤੋਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤੇ ਸੀ ਆਪਣੇ, ਉਹਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਮੁਕਦਮਾ ਦਰਜ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਅੱਜ ਹਰਵਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਜਿਹੜਾ 10 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਲਾਪਤਾ ਸੀਗਾ ਉਹਦੀ ਡੈਡ ਬੋਡੀ ਗੰਗੂਵਾਲ ਨਹਿਰ 'ਚ ਮਿਲੀ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ ਲਿਆ ਕੇ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਕਰਾ ਕੇ ਵਟਸਐਪ ਵਾਲੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਸਰ ਕੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀ ਸੀਗੀ? ਇਹ 10 ਤਰੀਕ ਕਿਸੇ ਕੋਈ ਔਰਤ ਕੋਲ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਸੀਗਾ ਜੀ ਇਹ, ਔਰ ਔਰਤ ਨੂੰ ਘਰੋਂ ਲੈ ਗਈ ਸੀਗੀ 10 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਾਪਤਾ ਸੀਗਾ। तरन तारण के वार्ड नंबर 13-62 रोड से स्थित गली लखबीर सिंह रटौलवाली विखे आम आदमी पार्टी की विशेष मीटिंग आम आदमी पार्टी के सीनियर आगू लखबीर सिंह रटौल के गृह विखे हलका विधायक डॉक्टर कश्मीर सिंह सोहल की अगवाई हेठ हुई मीटिंग वड्डी गिनती विच इलाका वासियां मौतबर व्यक्तियां ते आम आदमी पार्टी के वर्करां ने शमूलियत की। मीटिंग च विधायक डॉक्टर सोहल ने लोक सभा हलका खडूर साहब तो आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार लालजीत सिंह भुल्लर के हक में प्रचार किया, इलाका वासियां दियां मुश्किलां सुनियां तो उन्होंने जल्द हल कराउण दा भरोसा दिता। भारी इकट्ठ नूं संबोधन करदिया विधायक सोहल ने कहा कि पंजाब विच अज रवायती पार्टियां दा बिस्तरा गोल हो चुके ते पंजाब दे लोक आम आदमी पार्टी वालों किए गए कम्मां तों बेहद खुश ने। बटाला गुरदासपुर नैशनल हाईवे ते पिंड गिल्लां वाली नेड़े बस नूं ओवरटेक करदे समय हादसा वापर गया। रेत नाल भरिया ट्रक सड़क किनारे खेतों में पलट गया, पर खुशकिस्मती नाल इस हादसे में कोई जानी नुकसान नहीं होया, पर दोवें वाहन बुरी तरह नुकसाने गए ने। लोगों दस्सिया कि बस च एक धार्मिक जथेबंदी का व्यक्ति मौजूद सी जो वाल वाल बच गया। ट्रक ड्राइवर ने दस्सिया कि वह पठानकोट तो ट्रक में रेत लैके आ रहे सन, जदों वो बटाला नेड़े पिंड गिल्लां वाली कोल पहुंचे तो पिछे तो आ रही एक तेज़ रफ्तार बस ने ओवरटेक करने की कोशिश की, पर अगे जा रहे एक वाहन ने बस का स्टेयरिंग पलट दिता, जिस कारण बस डिवाइडर ने टकरा गई तो डिवाइडर से पलट गई। पर इस हादसे में कोई जानी नुकसान नहीं होया। मौके पर हाईवे पेट्रोलिंग टीम के मुलाजमान ने पहुँच के राहत कार्य शुरू किए। एक्सीडेंट इदा है कि अपना राउंड कट के आ रहे थे, सानू फोन आया कि अपना मल्लू द्वारे लागे एक्सीडेंट होया बस का ट्रक का, जी कि अपना बस जी रोंग साइड है तो बस वाले की गलती, तो बस वाला मौके पर अपना फरार हो गया। ड्राइवर टिपर आले ते माड़ी मोटी अपना रगड़ लगी है, बाकी बस वाले दा बचा जी। बस ते हुण लगदी स्कूल वाली आ ते उदां किन्ने ही संगत ही विच, संगत दा बचाव आ। अमृतसर तो कांग्रेसी उम्मीदवार गुरजीत सिंह औजला ने चिट्टा कटरा विखे एक चुनावी रैली नूं संबोधन किया। इस मौके उन्होंने ਸਾਬਕਾ ਡਿਪਟੀ ਸੀਐਮ ਓਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸੋਨੀ, ਸਾਬਕਾ ਕੌਂਸਲਰ ਮਹੇਸ਼ ਖੰਨਾ ਤੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਰਕਰ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।
कटड़ा बस हादसे विच माता वैष्णो देवी दे नेड़े रहण वाले 6 श्रद्धालु जख्मी होए ने, जिन्हां विचों 4 दी हालत गंभीर है। दस दिए कि कटड़ा दे नाल लगदे पिंड चंबा विच अज इक सड़क हादसा वापरे, जिस दौरान कुछ लोगों के मामूली सट्टां लगियां। हुण नज़र मारदे आं अज दे मौसम दे हाल दे वल। इस नाल ही खबरों का सिलसिला इतने समाप्त होंगे। नवियां ते ताज़ा खबरों के नाल फिर हाजिर होवांगे। तद तक लई दिओ इजाजत, धन्यवाद।